हम सारे कलाकार यहाँ पर हैं, हमारी म्यूजिशियंस की टीम है और आज एक इतना खूबसूरत माहौल है और इतनी एक्साइटमेंट है कि दो साल के पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद लोग बंदे बंदे से रहे और आज जाके हमें कुछ एक मौका मिल रहा है कि चलिए ऐसे पंजाब के दिलदार लोगों से मुखातिब हों और उनके साथ म्यूजिक की कुछ बातें की जाएं, कुछ गाने सुने जाएं। तो शुरुआत हमारा इरादा है कि आपको एक जबरदस्त म्यूजिकल टाइटल सुनाएं और आपके सामने आज की इस महफिल की शुरुआत करें। तो जैसे ये खूबसूरत होर्डिंग, ये फ्लेक्स आपको बता रहा है, पंजाब का, हमारे देश का, विशेष रूप से चंडीगढ़ शहर का एक बहुत बड़ा नाम, आदरणीय स्वर्गीय त्रिलोकनाथ जी, त्रिलोकीनाथ फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है उस कार्य की सराहना हर जगह हो रही है, हर एक के दिल में उनके कार्य की बात पहुंच चुकी है और इसीलिए आप इतने प्यार से यहां पर जुड़े हैं हमारे साथ। तो आइए आज की ये खूबसूरत म्यूजिकल इवनिंग शुरू करते हैं जिसका आप सभी को इतना इंतजार है। त्रिलोकीनाथ फाउंडेशन प्रेजेंट्स अ म्यूजिकल ट्रीट सुरमई शाम विथ डॉक्टर सुप्रिया जोशी लाइव इन कॉन्सर्ट। बात है। और जैसे ही शोले की ये धुन हम सुनते हैं तो हमें वो बॉलीवुड का जमाना याद आता है जहां पे अपने पंजाब के पुत्र धर्म पाजी कहते हैं, जय कमाल है, जय मैं पंजाब में हूं और तुसी तालियां नहीं बजा रहे हो, ओ कमाल है।
और गांव वालों, आज मैं आपके गांव आया हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप आपके दिल का सारा प्यार हम पे बरसाएंगे, क्योंकि मुंबई से बड़ी उम्मीद लेके आए हैं और तालियां नहीं बजाएंगे तो उसी टांकी से कूद जाऊंगा जो शोले में बना के रखी थी। ओके, तो इस तरह की काफी मजेदार बातें हम करेंगे। मैं रिक्वेस्ट आवर डियर रॉबिन टू चेक विथ हिम। रॉबिन सर, क्या हम अब जिस तरह से हमने सोचा था क्या मैं सबसे पहले चाहूंगा कि जिनके इंट्रोडक्शन की चंडीगढ़ में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं इस डायनामिक पर्सनालिटी के लिए एक बार ये कहूं कि ये एक ऐसे इंसान है, सादगी इनके नेचर में है और काम करने में ये आज किसी डायनामिक लीडर से कम नहीं है। ऐसे मोस्ट डायनामिक पावरफुल यंग पर्सनालिटी वन एंड ओनली रॉबिन अग्रवाल। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑन बिहाफ ऑफ त्रिलोकीनाथ फाउंडेशन आई लाइक टू वेलकम यू ऑल। यू नो वी माय फैमिली हैज लॉन्च दिस फाउंडेशन इन द नेम ऑफ माय लेट ग्रैंडफादर टू डू कम्युनिटी सर्विस। And what we thought, what better activity to do a musical night with in the times of pandemic when there's so much of negativity, and to spread, and music is such a great healer and spreads positivity. We thought the launch of the foundation should begin with a musical night. I'd like to welcome our esteemed team from Mumbai who has come especially to perform for us. We have Supriya Joshi, Prasanna Rao, Sagar, and Mr. Shyam Raj, who are eminent musicians in their own right. I like to welcome Dr. Vrinder Walia also, who is our guest of honor from Punjabi Jagran. He specially drove in from Jalandhar for this event. Thank you, sir. Can I have a small bouquet to present to you by my father, Mr. Mahinder Pal Gupta, please? Thank you for coming, sir. Can I have the presence of my siblings on the stage for lighting the lamp, along with Mr. Mapalia? So please come for the lighting of the lamp. Rohit, Sonali, and Dipali. Yes, sir. Please come from this side. You know, it's a great occasion for us because all four of us, all four siblings don't get together, and we're getting together after 9 years. So it's a special occasion for us. Thank you. Vakratund Mahakay Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Sarvakaryeshu Sarvada Sarvakaryeshu Sarvada Thank you, sir. Thank you. Can I have one more bouquet, please? We also, you know, like to acknowledge the presence of Missy Mini Bhadwaj. She's the SHO of this area, and she has been very cooperative for us to organize this event. I'd like my father to present a bouquet to her.
With this, I'll hand over the mic to Mr. Shrikant to carry forward the event. Thank you, Robin ji ke liye zordar taaliyan once again, and all the members of respected Trilokinath ji's family. To aaiye aaj ki shaam deep prajwalit hokar yahan par shuruaat ho gayi hai, jiski ye ek aise khoobsurat logon ki dharti hai, Punjab ki dharti, jiske bare mein main hi aapko kya bataun jab aap khud us dharti ke putra hain aur aap yahan pe आनंद ले रहे हैं जीवन का. बट पूरे हिंदुस्तान को पंजाब के लिए एक अलग प्यार है. आप जब भी देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि पंजाबियों का दिल बड़ा होता है, प्यार से भरा हुआ होता है. दिल तो मेरा भी बड़ा है, लेकिन प्यार आपके जितना नहीं है, वो थोड़ा एक 500 ग्राम कमी हो जाएगा अगर आप गिनने जाएंगे. आपसे मैं मुकाबला नहीं कर सकता, इतना प्यार है. और सबसे बड़ी बात, सेवा. सेवा जो पंजाबी करते हैं, मैंने ये खुद देखा है. सेवा का धर्म अगर किसी धरती से भारत में निकला है, किसी राज्य से निकला है, तो मैं थोड़ा बायास्ड होके भी कहूंगा कि पंजाब इज नंबर वन. क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूं, और मुंबई में जब जब भी 26/11 से लेकर ऐसी कुछ घटनाएं घटी, तब सबसे पहले गुरुद्वारे से खाना लेकर, चाय लेकर लोग खड़े थे और सबको आग्रह कर रहे थे कि भाई साहब आप खाना खाइए, ट्रैफिक जाम हो गया है. तो ये जो बात है मुझे कहनी थी, पंजाब में आके मौका मिला, तो मुझे बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा. और इसी पंजाब की धरती से कलाकार क्या निकले हैं, वाह. और अब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बस दो ही दिन पहले जिनका जन्मदिन सारी दुनिया ने सेलिब्रेट किया, मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब, द गोल्डन वॉइस, पंजाब से निकले हुए. और पहला गाना उनका रिकॉर्ड हुआ था पंजाबी फिल्म गुल बलोच. श्याम सुंदर जी का संगीत था, सोनिए नी हीरिए नी इसके शब्द थे. और ऐसे जबरदस्त कलाकार के लिए आज हम दिल से कहेंगे कि रफी साहब की याद में हम इस महफिल का आगाज कर रहे हैं, एक ऐसे नौजवान वॉइस ऑफ रफी से, कि रफी साहब की आवाज को अपने जीवन की दिशा मानकर उन्होंने फॉलो किया है. और कई रियलिटी शोज में इनको आपने पसंद किया है, कई रिकॉर्डिंग्स में अपनी आवाज़ दे चुके हैं, और आपके आशीर्वाद से और भी आगे बढ़ते रहेंगे. हमारे और गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके लिए भी स्वागत से जोरदार तालियां. और अब रफी साहब के दो खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आ रहे हैं, सुरमई शाम के पहले सुरीले फनकार प्रसन्न राव. तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे. जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग, तुम भी गुनगुनाओगे. भुला न पाओगे हो तुम मुझे यो. वो बाहर मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है. मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है. झूठ मानो जाओगे हो तुम मुझे यूं भुला न पाओगे. जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे
मिला न पाओगे हो तुम मुझे। और जैसा कि सबसे पहले तो आप सबको नमन, थैंक यू सो मच आप सबकी उपस्थिति के लिए। पहली बार चंडीगढ़ में ये शो करने आया हूँ और उम्मीद है आप सबका प्यार ऐसा ही रहा तो बार बार आएंगे हम सब। और अगला गीत रफी साहब का ही फिर से। जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया, जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो दिल में समाया, दो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। एंड राइट फ्रॉम द फर्स्ट सॉन्ग मैं विंग से देख रहा था कि आप सभी गीत जो है साथ में गुनगुना रहे थे। आज फ्रेंड्स जितने भी गीत होने वाले हैं दे आर वेरी चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तरने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तरने लिए। किसी की धुन में, धड़कते दिल के तरने लिए। मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़क
गीत दिल की तरन लिए ला 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 हे 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 ला 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 वाह क्या बात है थैंक यू सागर वो कौन से गीत है जो आप बोल रहे थे आपको यहाँ के कमेंट्स ज्यादा मिले हैं यहाँ की जो ऑडियंस है ना मतलब जब भी मैं चंडीगढ़ आया हूँ तो मतलब पोएट्री अप्रिशिएट करने वाली ऑडियंस जो होती है तो साहिर लुधियानवी साहब मेरे पर्सनल फेवरेट हैं यहाँ पे मुझे कई सारे लोग पहले मिल चुके हैं अच्छा। तो उनकी प्यासा की नज़म आप ले लीजिए तो ये कूचे नीलाम घर दिलकशी के वो नज़म या जाने वो कैसे लोग या कभी कभी के साहिर साहब की जो ओरिजिनल नज़म थी क्या बात है वो सब काफ़ी सारा प्यार यहाँ से मिला है सो उसके लिए आज रूबरू हम हैं तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा ऐसा ही प्यार बरकरार रखिए बिल्कुल एक मिनट आपका माइक दीजिए हेलो अरे ये तो बहुत अच्छा है यार तो मुझे काला माइक क्यों देते मेरे कलर से मैच करते हुए कमाल है मतलब अच्छा मैं एक मिनट यूज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे काका जी के बारे में कहना था कि जितने भी काका जी के फैन हैं उनके दिलो दिमाग में काका जी ऐसे छाए हैं सागर की वो जैसे गाना शुरू होता मैं देख रहा था कि कुछ लोग ऑलरेडी ऐसे ऐसे आंखें बंद करके काका जी की एक बात आप देखिए वो उनके सामने कोई भी हीरोइन रहने दो वो हीरोइन को इतना देखते नहीं थे वो खुद पे ही खुश रहते थे अरे ये तो कमाल ही हो गया मतलब लोग ना अच्छी अच्छी हीरोइन शर्मिला जी हेमा मालिनी जी उनको छोड़ के उनको देख रहे क्योंकि आदमी में मैग्नेट था वो पंजाब का था ना वो कमाल है तो उनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर है फिल्म अमर प्रेम से जो आपके शहर से भी ताल्लुक रखता है जैसे ही वो शर्मिला जी को रोते हुए देखते कहते हैं ए पुष्पा अरे पुष्पा रो मत आई हेट टीयर्स पुष्पा आई हेट टीयर्स रे अरे तुम्हारी आंखों की आंसू नमकीन पानी यानी सलाइन वाटर इस दुनिया के लिए इन आंसुओं को पोंछ डाल आई हेट टीयर्स पुष्पा ये देख मैं तुम्हारे क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए सेक्टर 23 के गोलगप्पे और समोसे लाया हूँ रे देखिए कितना कनेक्शन है आपका यही ओरिजिनल डायलॉग था मैंने नहीं बदला है सॉरी मतलब आप बड़ा फेमस है यार गोपाल स्वीट्स ओके आप एक्सचेंज बस उधर कर देते ना फिर अच्छा मतलब एक मिनट से लिए भी दूरी सही नहीं जाएगी माइक से ऐसा है आपका ओके ओके बीच बीच में मैं रेंट पे लेता रहूँगा आपका माइक थैंक यू सो मच मित्रों अब बारी है इस महफिल में मैं एक बार रॉबिन जी से एक बार गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर आएँ रॉबिन सर प्लीज रॉबिन अग्रवाल क्योंकि एक बहुत ही गणमान्य व्यक्तित्व का यहाँ पर हमें सम्मान करना है और उनके आगमन की हमें यहाँ पर आपके साथ खुशी बांटनी है वी आल्सो लाइक टू वेलकम रोटेरियन मनमोहन सिंह पास्ट प्रेजिडेंट ऑफ रोटरी एंड द मेंबर ऑफ पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटरी अथॉरिटी आई विल आस्क माय फादर टू प्लीज प्रेजेंट अ बुके टू हिम We like also to acknowledge the presence of Mrs. Rajwant Kaur. Thank you. मैं हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर और सबसे गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए आपके मन में अगर कोई फरमाइश है तो जरूर बताइए बहुत ही खूबसूरत लिस्ट हमने गानों की बनाई है और उस लिस्ट को हम फॉलो करते जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम उस लिस्ट के ही पीछे पड़े रहेंगे वी आर नॉट दैट लिस्ट बॉदर्ड इन अ डिफरेंट वे We are actually bothered for your love and affection. आपको जो अच्छा लगे वो हम करेंगे बस at least इतना तो मैं गारंटी दे ही सकता हूँ और अब आगमन उनका होने वाला है जिनके नाम से आज की महफिल सजी है एक ऐसी फनकारा जिन्होंने
बचपन से ही बोलते ना कि एक कृपा होती है ईश्वर की संगीत की, तो बचपन से ही संगीत सीखना शुरू किया, अलग अलग भाषाएं, हिंदी के साथ उर्दू, पंजाबी और अन्य कई भाषाओं पर महारत हासिल कर ली। गज़लों पर, क्योंकि वो अलीगढ़ से हैं तो गज़लों का ताल्लुक उनके जन्म से उनके साथ रहा, कानों पे वो बात पड़ती रही। तो गीत, गज़ल और क्लासिकल ये करते हुए म्यूज़िक में एक ऐसा उन्होंने मकाम हासिल कर लिया कि म्यूज़िक में उन्होंने पीएचडी की है, डॉक्टरेट हासिल है म्यूज़िक में। और ये करते करते मुंबई में बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाते हुए, पहले तो इंडियन आइडल की मेगा फाइनल विनर रही और बहुत सारा प्यार आप सबका मिला, और फिर जब भारतीय सिनेमा के लिए, बॉलीवुड के लिए गाया तो सत्या 2 और विवाह जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनकी आवाज़ एज अ प्लेबैक सिंगर आपने सुनी। टेलीविजन पर देवों के देव, महादेव, अभी राधा कृष्ण जो चल रहा है ज़बरदस्त पॉपुलर सीरियल, उसमें बहुत सारे ऐसे सीरियल्स में आवाज़, और साउथ इंडियन भाषाएँ जो बड़ी मुश्किल होती हैं, मैं खुद साउथ इंडियन हूँ लेकिन मेरी मातृभाषा कन्नड़ा है, लेकिन मुझे अगर तमिल और मलयालम में कुछ करना हो, जैसे मैं डबिंग करता हूँ कई कलाकारों के लिए, तो बड़ा चैलेंजिंग वो हो जाता है। तो इस कलाकार ने तो कई गाने गाए हैं तमिल और मलयालम जैसी भाषाओं में। तो आइए इस हर फन मौला फनकारा से मुलाकात करते हैं, उनके खूबसूरत गीतों का आनंद लेते हैं, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं एक अलग ट्रांस की दुनिया में आप चले जाएंगे। प्लीज वेलकम मल्टी टैलेंटेड, म्यूजिकली डेडिकेटेड पर्सनैलिटी, वन एंड ओनली प्लेबैक सिंगर डॉक्टर सुप्रिया जोशी, लाइव इन कॉन्सर्ट। जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है हम बुझ गए। सबके प्यार के लिए, आपकी तालियों के लिए, आपके प्यार के एहसास के लिए जो हमें यहाँ डायरेक्ट मिल रहा है।
यहाँ फोन की और किसी चीज की जरूरत नहीं है. आप जिस भाव से आए हैं, जिस मन से यहाँ इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, तो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि हर प्रोग्राम के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत और एक प्लानिंग की जरूरत होती है. तो मैं इस प्रोग्राम की प्लानिंग तो वैसे 2 साल से हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली ये पेंडेमिक की वजह से ये प्रोग्राम अब हो रहा है. अदरवाइज हमने ये प्रोग्राम अप्रैल 2020 में प्लान किया था. मिस्टर गुप्ता, मोहिंद्र पाल गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां. वो लगातार मेरे से 2 साल से टच में हैं. उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि ये प्रोग्राम हम जरूर करेंगे, भले ही थोड़ी लेट हो रही है लेकिन बहुत अच्छे से करेंगे. तो आज हम सब आपके सामने मौजूद हैं. एक बार जोरदार तालियां हमारी म्यूजिकल टीम के लिए और एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए, क्योंकि जब आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, आपसे हम हैं. और ये जो विटामिन होता है तालियों का, विटामिन टी, वो आपसे हमें मिलता है और बड़ा एनर्जी बूस्टर हमें हमारे लिए है. सो वेलकम. तो आपका बहुत अच्छे से श्रीकांत जी ने किया, बहुत अच्छे अच्छे नगमे आपने अभी तक सुने. एक मेरी तरफ से मेरी तरह का वेलकम कुछ इस तरह से. आपको ब्लैक एंड वाइट एरा याद होगा, मधुबाला. किसी ने फिल्म हावड़ा ब्रिज देखी है? वेरी गुड. कोई गाना याद आता है आपको? आइए मेहरबान, बैठिए. जाने जा Thank you.
क्या बात है, आइए मेहरबा। गाना जब याद आता है सुप्रिया जी, तो ऑफ कोर्स मधुबाला जी के साथ साथ, उनकी अदाओं के साथ साथ, और ये खूबसूरत आवाज, और अशोक कुमार साहब का वो जो एक जेस्चर है, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं क्लब में बैठ के। अगर वो भी होते आज के माहौल में तो बस यही कहते हैं, अरे कमाल हो गया सुप्रिया जी, छन्न पकड़िया छन्न पकड़िया। आज आपने जिस कमाल अंदाज में गाया है, मुझे लगता है कि ये मूवी फिर से बनेगी तो मधुबाला जी की जगह आपको ही उसमें हीरोइन बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं वापस वहाँ पे बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़ोरदार तालियां आप तो बजा दीजिए, कमाल है। आपको सुनते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे हम लोग। अभी हम लोग कितने लोगों को याद है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम जब छोटे थे याद है। अरे क्या बात है, आपकी याददाश्त के लिए ज़ोरदार तालियां। मतलब ऐसा है कि हम लोग और बुनियाद, ये सारी जो उस ज़माने की दूरदर्शन की सीरियल्स थी, वो देखकर ही हम लोग बड़े हुए हैं और अभी भी उन यादों में जी रहे हैं। आजकल OTT आ गया है तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से OTT के लिए कौन सा ऐप डाउनलोड करें और उसमें क्या देखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपना सिंपल ज़माना बड़ा अच्छा था और इसीलिए उसके गीत आज भी सुपरहिट है। तो आइए ऐसे ही कुछ खूबसूरत गीतों का एक कॉम्बिनेशन, एक नज़ारा आपके लिए पेश करेंगी डॉक्टर सुप्रिया जोशी। थैंक यू विश्वकांत जी। बॉलीवुड म्यूज़िक में बहुत अलग अलग आवाज़ें आईं, आप सब जानते हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त, शमशाद बेगम, रफ़ी साहब, किशोर कुमार और कितने सारे, सुमन कल्याणपुर अगर मेल सिंगर्स में देखें, लेकिन गिने चुने सिंगर थे, लेकिन उनकी आवाज़, किसी की भी आवाज़ सुन के आप पहचान सकते थे कि ये गाना किसने गाया है। गीता दत्त, उनकी आवाज़ में एक अलग ख़ास, एक ख़ास अलग बात थी। उन्होंने बड़े कम गाने गाए लेकिन जो भी गाने गाए वो एकदम दिल से सोलफुल सॉन्ग थे। तो कुछ उनका गाना और कुछ एक दूसरे सिंगर का गाना, कुछ एक कमाइंड, मैंने एक कॉम्बो, एक मेडले टाइप बनाया है। सो आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा। और हम, ये जो हमारी लिस्ट है, मोस्टली हमारी लिस्ट डेडिकेटेड है 60s यानी कि गोल्डन एरा पे। और गोल्डन एरा आप जानते हैं कि एक से बढ़कर एक गाना, बहुत मुश्किल होती है हर लिस्ट बनाने के लिए कि क्या गाना छोड़ें और क्या गाना लें, लेकिन जो भी है वो आप सबके लिए पेशे खिदमत है। टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है और बाबा रामदेव कहते हैं कि तालियां बजाने से थोड़ा ठंड कम भी होती है। कैन यू हैव लिटिल बिट स्लैप द सॉन्ग। ऐ दे मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे आ गया है। ऐ दे मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे आ गया है। थैंक यू वेरी मच। कभी पार लगा तेरे नजर, कभी आ
कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, सैया घायल यार तूने मोरा जिगर, सैया घायल यार तूने मोरा जिगर, ओ सैया घायल यार तूने मोरा जिगर। हाय, कितना अच्छा लगता है कि कोई हसीना तारीफ में ये कह रहे कि घायल किया तूने मोरा जिगर, कहीं यार कहीं पार। ये सब शादी के पहले 6 महीने तक ही होता है, डिस्क्लेमर है जी, नोट कर लो। और मैं क्या बताऊं, यहाँ पे अनुभवी बड़े बड़े बैठे हैं बंदे, सब यहाँ पे किताबें लिख देंगे इस बात पे। और मैं सुप्रिया जी एक गाना याद कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले सागर से, कि एक गाना है ना कि कोई गा रहा है, दीवाना है, शायर गा रहा है कि जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं वो तो नहीं, हाय हाय। लेकिन कुछ सालों के बाद शादी के वो यही गाता है गाना, लेकिन ट्यून बदल जाती है। वो जरा सी आहट होती है तो कसम से घबराहट होती है, वो जरा सी आहट होती है तो कसम से घबराहट होती है, ओ प्राजी कहीं वो तो नहीं है। तो मूड बना के बैठे हैं बीच में, तो ऐसे सब माहौल बदल जाता है। बट मुझे अच्छा लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, आप भी इस यात्रा में शामिल हैं। बट लेकिन एक है कि इनके बगैर जिंदगी भी तो बन नहीं सकती, तो इसीलिए हमारी आदरणीय महिलाओं के लिए और पत्नियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, उनके बगैर जिंदगी हो नहीं सकती। तो आइए, अब जब बगैर हो नहीं सकती जिंदगी, तो सुप्रिया जी अकेले गा रही हैं तो डुएट की जरूरत है, और इसलिए सागर सावरकर जी को याद किया जाए, बहुत यादगार डुएट। चुकी है सुबह हो गई,
हमारी जिंदगी के बाग हो, सागर। अब सुप्रिया जी का जब नाम हम लेते हैं कहीं पे भी अनाउंस करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो डॉक्टर सुप्रिया जोशी बोलते हैं। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब तक हम नहीं बताते कि वो डॉक्टरेट वाली डॉक्टर है म्यूजिक की, तब तक बहुत से कुछ शो में जब बोला नहीं, बोलेंगे सोचा कि बाद में बता दूं, तब कई लोग पूछते हैं। एक शो में मुझे याद है किया था हमने, तो उसमें मैंने बता दिया डॉक्टर सुप्रिया जोशी और बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगेगा और गाना अच्छा भी लगा, इंटरवल हो गया। बाद में इंट्रोडक्शन में सब बताने वाला था, लेकिन एक भाई साहब मिलने आए, बोले कमाल यार डॉक्टर नहीं ऐसा गाती हैं और क्या दवा देती हैं, मतलब लोग तो दुआ देते हैं उनको, और ये तो ठीक है, ऊपर से बोला तो भाई साहब आप क्या कंपाउंडर हैं उनके, ओ ये भी ठीक है, बोले तो मंथली आपको क्या सैलरी मिलती होगी, यार मतलब कहाँ चला गया आदमी। तो ये सब चक्कर में मैं पहले ही बता देता हूँ कि शी इज़ अ डॉक्टरेट इन म्यूजिक। अब मैंने कह दिया, तारीफ में कोई किसके लिए कुछ भी कह दे लेकिन उसके लिए सबूत भी होना ज़रूरी है, और है ना। और किंडल पे, अमेजॉन किंडल पे जो थीसिस उन्होंने सबमिट किया था जिसपे उनको PhD यानी डॉक्टरेट मिली, वो इंडियन म्यूजिक पर है, और नाम थोड़ा लंबा चौड़ा तो मैं उन्हीं से कहूँगा कि आप स्पिरिचुअल क्वेस्ट ऑफ हिंदी सिनेमा, ये बुक अवेलेबल है इंग्लिश में किंडल पर, और बहुत जल्दी हम लोग हिंदी में वाणी प्रकाशन से ये बुक लॉन्च करेंगे, मे बी नेक्स्ट मंथ। और इस लॉन्च को मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं चंडीगढ़ में ही करूँ। ओह क्या बात है, क्या बात है। तो ये एक ऐसी लकी जगह है कि यहाँ पे मुझे तो लगता है सुप्रिया जी कि हम चंडीगढ़ में पहली बार आए हैं, मैं तो पहली बार ही आया हूँ, तो यहाँ का लक हम लेके जाएंगे। अगली बार चंडीगढ़ आएंगे तो कुछ बन के आएंगे, है कि नहीं, आपका लक हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पंजाब का आशीर्वाद हमको मिलेगा ही मिलेगा। पंजाब वालों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा रहता है, जब वो वेलकम करते हैं ना तो खुले दिल से करते हैं। अरे सारी दुनिया दीवानी, आप दुनिया में जहाँ पे जाइए पंजाबी हर जगह पे छाए हुए हैं, और पंजाबी फूड, पंजाबी भंगड़ा, पंजाबी भक्ति सेवा हर चीज जगह में पॉपुलर है, दुनिया भर में पॉपुलर है। इसलिए तो पंजाब में आने के नाम से ही हम लोग इंतजार कर रहे थे आज की डेट का, और सचमुच आपका प्यार मिल रहा है, एक याद हमारे दिल में बनती जा रही है, लाइफ टाइम मेमोरी, बट इसे हम रिपीट करना चाहेंगे, बार बार आपसे मिलना। ये याद बहुत स्पेशल इसलिए होगी क्योंकि हम ईयर एंड में हैं, और इस ईयर एंड की जो ये जो खत्म होने जा रहा है, इस एक म्यूजिकल नोट पे खत्म होने जा रहा है, तो I'm so sure कि आप लोग इस शाम को याद रखेंगे आगने वाले साल तक। Absolutely, और ये अगर आपको याद हो तो ये 2020 में होने वाला था शो, बिल्कुल, और तब बिकॉज ऑफ पैंडमिक एंड चाइना वालों का जो प्यार है एक्स्ट्रा, वो ऐसा फैल गया कि फिर उसकी वजह से थोड़ा सा आपका प्यार आने में देर हो गई, लेकिन जीत आप ही के प्यार की हो गई भाई साहब, आ गए हम लोग। और अब साथ देने रफी साहब की आवाज से सजाइए डुएट, इसलिए प्रसन्न राव, प्लीज वेलकम प्रसन्न। The song which we are going to present from the film An Evening in Paris, but main An Evening in Paris nahi bolungi because today we are in Chandigarh, so An Evening in Chandigarh. Okay.
देख कर सामने रूप की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। वालों को हंसकर जगाना भी है, रात के जागतों को सुलाना भी है। सोने वालों को हंसकर जगाना भी है, रात के जागतों को सुलाना भी है। देती है जागनी की सदा साथ ही, देती है जागनी की सदा साथ ही। लोरियां गा रही है सदा रात की। रात के सफल हक घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। रात ने प्यार के जाम भर कर दिए, आँखों आँखों में जो मैंने तुमने पिए, होश तो अब तलक बोल दी। पता चला बाहर आके उतरी आ जाओ, कहावतें बड़े बना रहा है पंजाबी में, तो मैं आपकी माफी चाहूंगा कि अगर गड़बड़ हो जाए, ग्रामर तो मुझे मालूम नहीं, बट आजकल गूगल ने ऐसा कमाल कर दिया है और सारी दुनिया विकिपीडिया तो है ही, हर चीज वहां पे है, आदमी दो मिनट में सब पता कर ले, सारे बच्चों ज्ञान देते हैं सारे, तो ये चक्कर हो गया है। आइए तो म्यूजिकल माहौल में आगे बढ़ते हैं। रेयर रफी नंबर खुशी जिसने खोजी वो धन ले के लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला न तन ले के लौटा न मन ले के आई। सुबहाना आई शाम ना आई, जिस दिन तेरी याद ना आई याद ना आई। सुबहाना शाम कैसी लगन लगी ये तुझसे, कैसी लगन ये लगी हंसी खो गई।
वाह तालियां, क्या कमाल कर दिया प्रसन्न, वाह बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल। और हमारे म्यूजिशियंस के लिए एक बार अलग से बहुत खूबसूरत लगा। हाँ, और हमारे म्यूजिशियंस सारे कमाल के हैं, और एक पर्सनालिटी को मैं प्रणाम करता हूं, एक ऐसे पर्सनालिटी जो आप पोस्टर पे भी देख रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए, उधर मुंह करके मैं जो भी कर रहा हूं मुझे इग्नोर करिए, लेकिन जो इस तरफ म्यूजिक है, परमानेंट सैक्सोफोनिस्ट, वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड श्यामराज जी। और अब एक दो गाने के बाद कुछ एक खास उनका अंदाज आप सुनेंगे, उनके ओरिजिनल पार्ट्स इनके बजाए हुए हैं, और आज हमारे साथ स्टेज पर हैं चंडीगढ़ में, बहुत ऑनर की बात है। एक बार जोरदार तालियां फिर से श्यामराज जी के लिए। और अभी प्रसन्न ने जो बहुत खूबसूरत अंदाज में ये रफी साहब की आवाज, पहाड़ी आवाज, जो हिमालय को छूने वाली आवाज, रफी साहब की आवाज, फिर से मैं कहूंगा पंजाब की आवाज, पंजाब की आवाज ऐसी है, दोनों रेंज है, एक रफी साहब जैसी बिल्कुल पहाड़ को छूने वाली, हिमालय की चोटी को छूने वाली आवाज भी है, और दूसरी एकदम पाताल में बेसमेंट में जाने वाली आवाज भी है, जैसे ओए जा सिमरन जा, जा तू उसी लौंडे नाल जा, जा जीले अपनी जिंदगी। अगर मिल जाए हमारे चीफ गेस्ट साहब मुझे दिलवा दे तो खुशी होगी, लेकिन एक ही आधार कार्ड अलाउड है तो फिर ठीक है, फिलहाल मैं मुंबई से काम चला ही रहा हूं। अब बारी है हेमंत दा के उस एवरग्रीन गाने की, आवाज देखिए एक ऋषि मुनि की आवाज, लता जी कहते हैं इनकी आवाज को, वो अंदाज पेश करेंगे सागर सावरकर। वेलकम सागर। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। गीत की धूम बदल के देख ले,
गीत की धुन बदल के देख ले, सुनने दे अब धड़कनों की जबान, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहां, सुन जा दिल की दास्तां। Thank you so much. Wow. पटाखे फोड़ दिए आपने इनकी याद में, कमाल। ये थोड़ा मेरी आवाज आ रही है जा रही है, आ रही है, हाँ आ रही है, ठीक है। तो सुरमई शाम आज चंडीगढ़ में त्रिलोकीनाथ फाउंडेशन के इस संस्था के महानतम कार्य को याद करते हुए हम एक खुशी बांटते हुए यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर सुप्रिया जोशी लाइव इन कॉन्सर्ट और उनकी सारी टीम। अब जैसे मैंने जिक्र किया शामराज जी का, हमारे लेजेंडरी सैक्सोफोन प्लेयर, इस गीत में देखिए उनकी सैक्सोफोन का एक अलग अंदाज जो ओरिजिनल गाने में कुछ इम्प्रोवाइजेशन करके आपको सुनने को मिलेगा। और ये काम साथ में करने के लिए प्लीज वेलकम योर फेवरेट सिंगर डॉक्टर सुप्रिया जोशी। और ये कंपोजिशन है मदन मोहन साहब की, एक ऐसे संगीतकार जिनकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, मदन मोहन साहब। और ऑफ कोर्स भारत रत्न आदरणीय गान सरस्वती लता जी की आवाज, उनके टॉप 10 गानों में वर्ल्ड वाइड ये गाना हमेशा रहा है। एंजॉय करते हैं। एक ऐसा आइकॉनिक सॉन्ग जो पद्मश्री पद्मभूषण लता मंगेशकर जी के गाए हुए, उनके खुद के गाए हुए टॉप 10 जो सॉन्ग्स हैं उसमें से एक गाना है। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने अपने कॉलेज में, घर पे या दोस्त के लिए ये गाना ज़रूर गाया होगा।
जन्म मला सौभाग्य की बात होती है कि बॉलीवुड के इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट आपके साथ परफॉर्म करें, आपके साथ स्टेज शेयर करें. और हमारा हम आर्टिस्ट का सब जितने भी आर्टिस्ट यहाँ बैठे हैं, हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में हैं, हमारे साथ परफॉर्म कर रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू वेरी मच. आप थोड़ा सा एक अलग हट के हम मैंने जस्ट सागर के साथ कुछ हम सोच रहे थे कि मैंने कहा इतनी अच्छी ऑडियंस है, इतने सुनने वाले लोग हैं, इतने जानकार लोग हैं, तो क्यों ना कुछ अपने कल्चर की बात करें. ऑफकोर्स कल्चर जो भारतीय संगीत है राग रागनियों पर आधारित है. जिन लोगों को नहीं पता है और सब और गूगल्स पे या यूट्यूब पे आप लोग ऑफकोर्स भी अजी
करीब है वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है वो शाम कुछ अजीब थी जब दीप जले जब शाम ढले आना संकेत मेरा ना भूल ना जाना मेरा प्यार ना बिसराना जब दीप ढले आना जब शाम ढले आना चंदन सबदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना जग वालों मुझे दोष न देना जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना पनी नी नी रे 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 मामा पासा पासा पारे रहो यूं ही पहलू में बैठे
के रहो आज जाने किसे वंडरफुल थॉट. आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा. ये बहुत सारे गाने और भी हैं, ये सब राग यमन पे बेस सॉन्ग हैं. और यही जो बात है वो मैंने मेरी बुक में दी है कि जितने सारे बॉलीवुड के मोस्टली सॉन्ग आए हैं 80% सॉन्ग आर बेस्ड ऑन राग, एवरी राग. सो उन रागों की डिटेल उन गानों के बारे में है. सो आज एक छोटी सी झलक हमने पेश की. मैंने सुप्रिया मैडम से, डॉक्टर साहिबा से कई बार कहा कि आप इतने लोगों के साथ गाती है, एक गाना मुझसे गवाइए. तो उन्होंने राग यमन में ही मुझसे कहा कि श्रीकांत आज गाने की जिद ना करो. तो ये राग पट्टी भी वो देती है, जितना राग अच्छा है वो ऐसे लाड़ प्यार नहीं करती, बोलते तुम्हारा काम बोलने का है, बोलते रहो और जब गाने लगोगे तो तुम्हारे लिए यमन में ही गाएंगे, चाहे तो भैरवी कर देंगे तुम्हारे लिए और कहेंगे कि आज गाने की जिद ना करो. बस आपने ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कई लोगों को मुझे अच्छी लगी कि राग यमन शाम का राग है, तो जो चीज शाम की है वो काम की है कि नहीं. तालियां पंजाब में नहीं बजेंगी शाम की इस पंचलाइन पे. मेरा नाम पंजाबी कर देंगे, इतना पंजाबी मैं बोल रहा हूँ और आप पंच में कमी कर रहे हैं, क्या बात है. तो ये एक बार और मुकर्रर मुझे वापस सुनना है, जो चीज शाम की है वो काम की है, क्या बात है, ये मुझे याद रहेगा. बिल्कुल. अब श्याम राज जी टेंशन में आ गए कि भाई श्याम राज तो नहीं है, मतलब कोई श्याम का राज तो नहीं है. तो ऐसा नहीं, वो नुक्ते वाला नहीं है. श्याम राज जिस जो बंदा हर शाम पे अपने म्यूजिक से राज करता है वो श्याम राज है. और अभी उसी उन्हीं का हुनर इस आगे आने वाले गाने. उससे पहले एक और आधा मिनट ले लेता हूँ. चलिए आधा नहीं, थोड़ा और कम पाव मिनट ले लेता हूँ. YouTube पे लाइव जा रहा है ये, बहुत चंडीगढ़ का ही वेब स्ट्रीमिंग चैनल है, उनकी तरफ से आपने संस्था के साथ टाइप में साथ बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है. YouTube पे क्या कमेंट्स आ रहे हैं आप सबके लिए, म्यूजिशियंस अच्छा. के लिए सबके लिए आ रहे हैं. एक भाई साहब ने तो ये लिखा है कि अगर आपको भूख लगी है तो कुछ पेश करो. देखिए पंजाबी लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन मुझे लस्सी पीनी है, लेकिन ये भाई साहब यूट्यूब से मुझे लस्सी कैसे पिलाएंगे ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. बट एनी वे यूट्यूब के चाहने वालों ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए. और आप लाइव ऑडियंस तो बिल्कुल अब गले लगाना बाकी रख दिया आपने. चुके देखो हाँ यहाँ वहाँ, देखो सीने में कैसी हलचल मची है. देखो सीने में कैसी
बहुत बहुत जबरदस्त। और इस गाने की एक बात मैं जिक्र करना चाहूंगा, फिल्म तो जानते हैं आप सभी, कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ द मूवी? कोई नहीं, अरे गूगल है तो की गल है। पंजाब की मशहूर कहावत एक साउथ इंडियन आदमी ने मशहूर कर दी है, तो ये मेरे जीवन साथी काका जी की फिल्म है, राजेश खन्ना जी तनुजा, जिसमें वो ओ मेरे दिल के चैन, दीवाना लेके आए, सब हिट गाने हैं। तो इस वाले सीन में काका जी की आंखों पे कुछ ऐसा असर हो गया कि आंखों की दृष्टि चली गई है, ही इज विजुअली इम्पेयर्ड। बाद में कहानी में आंखें आ जाती है, लेकिन दुख की बात है कि यही गाने में उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, सामने हेलन जी नाच रही है और कह रही है आओ ना गले लगाओ ना, और काका जी पूरे इसमें काला चश्मा लगा के ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं। आप एक बार वापस देखिए, एक्चुअली वो डायरेक्टर को कुछ मस्त सुना रहे पंजाबी में कि अच्छा ये किया तुमने मेरे साथ में, ये किया तुमने मेरे साथ में, मुझे चश्मा पहना दिया, मेरा रोल ऐसा लिखा। और दुख की बात है कि बाद में रोशनी आ जाती है, जब हेलन नहीं है तो रोशनी लेके क्या करेंगे। तो ये भारतीय सिनेमा में बॉलीवुड में जो कमाल है, इनको ज्यादा अच्छा लगे पंच कौन है भाई साहब, पकड़ना पड़ेगा आज, ये जोरदार तालियां उनके लिए, वो तब से यही बात पकड़ने के लिए बैठे हैं, हेलन के बड़े फैन है वो। तो आइए मुंबई में मिलते हैं। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपको थोड़ा खुश करने के लिए तो बैठे हैं। वापस यूट्यूब पे ऐसे बोलते ना कि बाढ़ आ गई है इस कमेंट्स की, तो मुझे त्रिलोकीनाथ फाउंडेशन और जितनी भी आप ऑर्गेनाइजिंग टीम है, मैं आपकी इस क्रिएटिविटी को दाद देता हूँ कि आपने लाइव इतना बढ़िया इंतजाम तो रखा ही है, आपने लाइव स्ट्रीमिंग करा के दुनिया में ये प्रोग्राम पहुंचा दिया आज, और टागोर हॉल और इस महफिल को आपने पहुंचा दिया। यू सी पीपल फ्रॉम यूके, यूएसए आर कमेंटिंग। सो मुझे यूके से ये लिंक आया था कि सुप्रिया ये तुम्हारा शो है, मैंने कहा हाँ। तो बहुत लोगों का मुझे लिंक आया कि ये शो रिकॉर्डेड है या होने वाला, मैंने कहा ये होने वाला लाइव लिंक तो होना ही सर, पंजाब का तो यूके से बहुत जबरदस्त लिंक है, और कुछ दिनों के बाद वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना सर, जिधर जाओ जो कुछ लगता ही नहीं किसी स्ट्रीट पे कि हम पंजाब में नहीं है, ऐसा आप लोगों ने कमाल कर दिया है और दिल जीत के किया है। सबसे बड़ी बात क्या है, दिल जीत के काम करते हैं आप, मतलब आपके सामने लोग दीवाने हो जाते हैं, आ जाओ तुसी आ जाओ, ये वाला मामला है। ये गाने में जो वर्ड थे आओ ना गले लगाओ ना, तो पंजाबियों के लिए ये गाना लिखा है, आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू ऑल पंजाबीज, आओ ना गले लगाओ ना, क्योंकि वो तो सबको गले लगाते हैं इसलिए प्यार उनको मिलता है। आइए ओवर टू द नेक्स्ट लवली नंबर एंड जिसके लिए सागर जी, एंड ये इस गाने में तो बहुत धमाल होने वाला, इसमें भी हमारे पंजाब एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था, एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। La 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 yun nahi milte hai yaar yaar se har de mujhe yaar ka jawab pyar se वक्त भी है मेहरबान ये कैसी दूरियां बोलो 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 एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो मन मन में हो रहा है ये तो होना।
एक तू, दोनों मिले इस तरह। मन में हो रहा है ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, और ये तो होना ही था। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब ये इतना रोमांटिक गाना है कि डॉक्टर साहब, मैंने सोचा कि ये गाना हम डेडिकेट करें भारत के एक बहुत ही महान शख्सियत को जिनका नाम शशि थरूर है। आजी, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, जहां हमारी सोच नहीं पहुंचती बंदा वहां पहुंच जाता है। और दूसरे दिन ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे फोटो आ जाते, मैं इतना काला क्यों हो गया हूं, जल जल के। और क्या है, देखिए जहां भी हुस्न मोहब्बत का सुरूर है वहां ये बंदा जरूर है, उसका नाम शशि थरूर है। तो अच्छा, एक गड्डी है, इसको रिमूव करने है पार्किंग से। ये क्या है, पीबी है ना? हाँ, पीबी 87 और क्या 5200। अच्छा, और क्या, कौन सा गाड़ी है? हाँ, इनोवा गाड़ी है, जरा लीजिए। तो पीबी 87 S200, जरा प्लीज हटाइए, नीचे लिखा है 2 किलो चना दाल लेते आना। सॉरी, उनका पर्सनल कुछ था, सॉरी। और जल्दी आना भी लिखा है, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट मत करना। बड़ा कमाल है, इतना पंजाबी पढ़ लेता हूँ, ट्रांसलेट भी कर लेता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस मौके पर देखिए, आज हम यहाँ एकत्रित हुए, हंसी मजाक चेहरे पे एक खुशी है कि 2 साल के इस बंधन के बाद कहीं ना कहीं, वैसे आजकल अभी भी थोड़ा टेंशन है, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव इतना अच्छा चला है जिसकी वजह से काफ़ी सहूलियत मिली, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और आप सबसे भी प्रशासन हमेशा गुजारिश करता ही रहता है कि हम सबको प्रोटोकॉल जो भी है कोविड नॉर्म्स, हमें उसका पालन करना है, जैसे सैनिटाइजेशन हो या मास्क लगाना हो। वैसे मास्क लगा के घर बैठ के सब मास्क मेलन बन गए, वो अलग बात है। तो लेकिन फिर भी बाहर जाते वक्त हमें मास्क लगाना पड़ेगा। तो आइए, अब इस मौके पर त्रिलोकीनाथ फाउंडेशन के एक ऐसी पर्सनालिटी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा बड़े आदर के साथ, कि उनके बारे में मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि एक तो वो ग्रैंड डॉटर है त्रिलोकीनाथ सर की, और उनकी परिवार की परंपरा उन्होंने ऐसी आगे बढ़ाई है कि उन्होंने 12th स्टैंडर्ड में शी हैज़ बीन द टॉपर इन नॉन मेडिकल इन चंडीगढ़ रीजन। बाद में उन्होंने बी ऑनर्स किया है बिट्स पिलानी से, और उसके बाद उन्होंने गूगल और याहू में बड़े उच्च पदों पर काम किया है, और अब एप्पल के हेडक्वार्टर में वो सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर के पद पर काम कर रही है। तो इस परिवार की जो एक बहुत बड़ी शान है, मैं निमंत्रित करना चाहूंगा सोनाली जी को, यहां पर मैं बुलाना चाहूंगा सोनाली अग्रवाल। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, वी आर प्राउड दैट शी इज फ्रॉम चंडीगढ़ पंजाब, शी इज फ्रॉम त्रिलोकीनाथ परिवार, और वो अपने आदरणीय दादाजी के बारे में कुछ आपसे कहना चाहती है। हेलो एवरीवन, वी आर हियर टुडे टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ माय ग्रैंडफादर एंड रिमेंबर हिम फॉर एवरीथिंग ही मेंट टू ईच ऑफ अस। आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस टुडे। My grandfather, Shri Trilokinath Gupta, was born on 31st December 1920 at Ambala Cant. He was the only child of Mr. and Mrs. Raja Ram. His father was a leading jeweler of Ambala Cant. At the young age of 3, his father and uncle passed away. A sense of responsibility came early to him, and he explored his entrepreneurial talent in many different fields. He started various ventures at an early age of 21, including starting a jewelry shop, becoming a commission agent at Crawford Market, Mumbai, management of various theatre groups, dhoop and agarbati manufacturing, and pan masala and tobacco manufacturing. He eventually settled in the business of bidis and became one of the leading manufacturers and distributors of bidis in North India. He was loved by one and all,
and had friendships from Jammu to Kanyakumari and Gujarat to Assam in the BD industry. He married Tara Devi and had two children, my father Mohindrapal Gupta and Prem Lata. As a father, he was concerned for his son's education and encouraged him to pursue BSc and MSc in physics honors, a first in his generation. He lived by high moral principles and ethics, which he inculcated in both his children. In his personal life, he loved reading poetry and newspapers in Urdu. He was also fond of writing poetry in his old-style fountain pens, and he wrote poetry under the nickname of Falak. He had a jovial nature and a good sense of humor, and rarely got angry. He used to love traveling all over the country for business and pleasure, even in his old age. What I loved most about him was the caring way of connecting with his grandchildren. He used to love feeding and indulging all his grandchildren, narrating our stories, and was always concerned about our health. I have fond memories of him giving me warm hugs and painstakingly walking a few kilometers to buy me candies whenever I asked him to. He passed away on 8 December 1993. Dear Babaji, we pray that your soul gets Sadgati. We plan to do more charitable work in his memory from our family resources. All my family appreciates you all for being here today for the celebration of his life. Thank you. Zordar taliya Sonali ji ke liye. Ab Google ho gaya, Yahoo ho gaya, Apple ho gaya, bacha kya hai? Har jagah pe wo टॉप पोस्ट पे जा रही है. मुझे लगता है कि अगर त्रिलोकीनाथ जी की वो पोती है तो अपना खुद का नया ब्रांड शुरू करेंगी और उसकी सीईओ बनेंगी. कुछ ही दिनों की बात है, जरा जोरदार तालियां उनके लिए. और अब मैं रॉबिन जी से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर आए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको निभानी है. रॉबिन जी, I request the presence of our chief guest, Mr. Mohan Singh, and a guest of honor, Mr. Virendra Walia, on the stage, please. I also request my father, Mr. M.P. Gupta, to join us on the stage. I request Mr. M.P. Gupta to present a token of appreciation to our chief guest. I request Mr. M.P. Gupta to present a token of appreciation to Mr. Walia ji. We would request Mr. Manmohan ji to present a token of appreciation to our artists. We will start with Mr. Shyamraj ji, the senior most person present today. Dr. Supriya Joshi. I request Manmohan ji to present a token of Mr. Sagar. Mr. Prasanna Rao.
Can we also have Mr. Shrikant Rao on the stage, please? You know, it is important that we appreciate everybody in the team who's performed, who's here for us. I will ask Mr. Satish Kumar, who's on the keyboards, to receive a token of appreciation. Mr. Shrikant. Satish, Mr. Satish. Mr. Shankar on the keyboard, please, from the keyboard team. Mr. Yogesh Kumar. Mr. Yogesh Kumar. Mr. Pradeep. Mr. Raja Amitabh. Mr. Anurag from the Octopod and the drums team. Mr. Shrikant, please come. Please receive the token of appreciation. अच्छा मेरे लिए भी है? हाँ आपके लिए भी है. Mr. Saurabh. Mr. Saurabh. Mr. Shubham Matre. Sound engineer, Mr. Shubham Matre. I think he's here. Thank you. Thank you for honoring our guests. Thank you. Robin ji, thank you. Mere naal bhi trophy. Main to gaata nahi hu. Lekin pyar to pyar hai. Mere bolne ke liye aaj pehli baar trophy mili hai mujhe. Ghar mein bolte muh band rakho. Bahut bolte ho tum. Matlab parents nahi bolte the. Kaun bolta hai aap samajh sakte hain. Matlab mujhe bolte ki yahan pe kaam ki baat kyun nahi karte. Bola bahar to paise mil jate hain. बात करके तो एनीवे आइए अब मेरी कहानी आगे नहीं बढ़ाता हूं. अब मैं एक ऐसे सुपर यंग सुपर टैलेंट को बुलाना चाहूंगा कि इस घराने की ये अगली जनरेशन है. ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ त्रिलोकीनाथ गुप्ता साहब एंड रॉबिन जी की सुपुत्री वन एंड ओनली नित्या. प्लीज गिव हर अ बिग हैंड. जोरदार तालियां इस प्यारी बच्चे के लिए प्लीज. In
और एक और बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज हम आपको देने जा रहे हैं. इस परिवार से बहुत ही क्लोजली जो जुड़ी हैं, मैं जैसे ही नाम लूंगा बहुत प्यार उनको मिलने वाला है. वो एक गाना यहाँ पर पेश करें, उनसे गुजारिश हमारी ओर से है. कैन आई रिक्वेस्ट नीरू जी टू प्लीज कम ऑन स्टेज. गिव हर अ वेरी बिग हैंड टू नीरू मैम. एक बहुत मतलब उनके जितने भी फैंस हैं, चाहने वाले हैं, क्लोज सर्कल में वो सब बड़े चाहते हैं कि वो ये गाना गाएं, हमारे लिए परफॉर्म करें. तो इसीलिए मैं खास तौर पर उनसे गुजारिश करता हूं कि वो ये उनका जो स्पेशल एक अंदाज है वो पेश करें. ओवर टू नीरू मैम.
Madam, please accept our salutation. Give her a very big hand. This is something, one of the very rare songs. Very rare songs. उन्होंने ये गाना चूज किया है और बहुत खूबसूरत तरीके से उसे यहाँ पे पेश किया है. और अब बारी है कि आप हमारे म्यूजिशियन टीम का कमाल आप देखेंगे. मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के साइन करता हूं कि ये गाने के बाद अगर आपको रेडबुल की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसी एनर्जी हमारे म्यूजिशियंस आज आप लेकर आएंगे और उनको लीड करेंगे द लिविंग लेजेंड पंचम दास ओरिजिनल टीम मेंबर द एस सैक्सोफोनिस्ट वन एंड ओनली द किंग ऑफ ब्लो इंस्ट्रूमेंट सैक्सोफोन श्यामराज जी. मैं कुछ नहीं बताऊंगा कौन सी फिल्म है. मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट पहले सुर से जो सरप्राइज आएगा और जो यहां पे कमाल होगा, फिर यहां पे अगर आग लग गई तो मैं फायर ब्रिगेड वालों को पहले बोल देता हूं, क्योंकि ये दिलों की आगे फायर ब्रिगेड बुझा नहीं पाएंगे. जोरदार तालियां फॉर एन एक्सक्लूसिव लाइव इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस बाय सुरमई श्याम टीम लेड बाय वन एंड ओनली श्याम राज जी.
स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन, ये प्यार है। श्यामराज जी क्या बात, थोड़ा सा आगे आइए प्लीज, थोड़ा सा अगर आ सकते हैं आप, क्या बात है। अया आपका वो कॉर्ड लगा हुआ इसलिए, थैंक यू सो मच। ये प्यार है चंडीगढ़ वालों का, सच्ची ये मोहब्बत है कि आपने कलाकार की जो काबिलियत है उसे सर आंखों पर आप रखते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे ही शोले की ये महबूबा की धुन छिड़ी तो बस यही याद आया, फिर से वीरूपा जी आ गए। गांव वालों, बसंती मुझे पहले से पसंद थी, बस इतना कहना चाहूंगा कि इस गांव का नाम रामगढ़ नहीं रखना, बदल देना नाम। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा तुमने वीरू, इस गांव का नाम रामगढ़ नहीं चंडीगढ़ रखना चाहिए। और मैं रमेश सिप्पी साहब से यह गुजारिश करूंगा कि शोले पार्ट टू कभी बनाए तो वो रामगढ़ नहीं चंडीगढ़ में बनाए, और चंडीगढ़ का जो नाम है उसका फायदा हमें मिलेगा, 1,000 करोड़ तो पहले दिन बुकिंग हो जाएगी। और ये शाम कमाल हो गया रे, हमारे गांव का नाम रामगढ़ से चंडीगढ़ हो गया, बहुत मजा आ गया, अब तो मैं लस्सी पी के रहूंगा, जरा तालियां तो हो जाए रे सांबा। बहुत हो गया शोले मेरी तरफ से। और अब प्रसन्ना और सागर, यादों की बारात। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। चिड़ो तरारे मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। बदले ना अपना ये आलम कहीं, जीवन में बिछड़े ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं भी जाओगे आप कहाँ होके हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। ओ आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। हो छेड़ो तरारे मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे।
और अब एक और जबरदस्त जुगलबंदी अब होने जा रही है। ये जुगलबंदी होगी एक डुएट के जरिए, जिस डुएट में दो सिंगर नहीं होंगे, एक ही सिंगर होंगी सुप्रिया जी, और उनके साथ जुगलबंदी कौन करेंगे? सैक्सोफोन के साथ श्यामराज जी, आपने जिनको इतना प्यार दिया। आप देखिए जिस गाने में लता जी और किशोर दा है उसमें लता जी की भूमिका, उनकी आवाज की भूमिका सुप्रिया जी निभाएंगी, और किशोर दा का जो अंदाज है वो श्यामराज जी अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए पेश करेंगे। ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, गाना होने के बाद फिल्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये तो कमाल का एक अंदाज होगा। दिस इज अ वेरी रेयर एक्सपेरिमेंट, आपने शायद ही ऐसा कुछ देखा होगा, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डुएट। Thank you.
ऐसा बजाने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए, बड़ा दमखम है इनमें। ये एक्चुअली ये 56 इंच की छाती वाले हैं कलाकार, क्योंकि इतने साल से कम 56 साल से तो कर रहे हैं परफॉर्म, तो ये कमाल की बात है। ओरिजिनल फिल्म रॉकी जिसमें संजय दत्त लॉन्च हुए और काफी नाम उन्होंने कमाया, फिर उनकी जीवन पर फिल्म बनी ताकि उनको देख के लोग सीखें कुछ जीवन की बातें, संजू नाम से इसमें वापस ये गाना आया, तो बाद में संजय जी एक मान्यता प्राप्त कलाकार बन गए, आप भी जानते हैं, बहुत ही उन्होंने नाम कमाया और बड़ी सीख हमको दी है और बड़े ऑनेस्ट है। पूरी यार कमाल है, बोलते रहते हैं वो ये सर्किट बोले तो उनकी ये फिल्म भी हिट होगी और अब शायद सीक्वल भी आने वाला है। तो उनके साथ ये गाने जो हैं पंचमदा की स्पेशलिटी की, जितने भी सनी देओल साहब बेताब में लॉन्च हुए, कुमार गौरव लव स्टोरी में लॉन्च हुए और इसमें संजय दत्त लॉन्च हुए, तो पंचमदा का संगीत लॉन्च करने में हमेशा कलाकारों का और सारे कलाकार आगे बढ़े। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक जबरदस्त गाना जिसमें भी इन सारे कलाकारों का और श्यामराज जी का, सैक्सोफोन का इंस्ट्रूमेंट बदल दिया उन्होंने अभी, ये वाला इंस्ट्रूमेंट आप देखिए वो दूसरा था ये दूसरा है। लेट्स एंजॉय दिस लवली नंबर फ्रॉम शान। What is it?
ऑसम। इसी के साथ अब सागर ज्वाइन कर रहे हैं, जवानी दीवानी का एक ऐसा अंदाज जो उसके बारे में कुछ खास बातें करेंगे गाने के बाद में, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अनदर ब्लॉकबस्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली सुप्रिया जोशी, डॉक्टर सुप्रिया जोशी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा फ्रेंड्स, अभी ये जो गाना है ना, जैसे ही हम लोग इस ऑडिटोरियम में आए थे तो हमें बताया गया था कि हमारी आज की ऑडियंस बड़ा सुर में गाती है, तो हमने देखा है। लेकिन सुप्रिया, व्हाट डू यू थिंक, एक बार टेस्ट कर ले हम इनके, है ना? टेस्ट में बड़े खरे उतरने वाले हैं। वो तो पता है मुझे ऑलरेडी, बट ऐसे मजे के लिए, है ना दादा? कॉर्ड आई थिंक थोड़ी ठंड भी नहीं लगती जब आप गाते वाते हैं तो। ऑफ कोर्स अपनी सॉन्ग का कॉर्ड दे दीजिए। ओके लेडीज, लेडीज फर्स्ट। अगर मैं कहूं लेडीज ओनली फर्स्ट, ओके सर? अभी नहीं, आप इनके टीम में हैं। नाउ लेडीज सारी मेरी टीम में। देखिए जी, इज्जत का सवाल है मेरी, तो जरा मेरी इज्जत रख। यार इतना सुर में गा रहे, लेडीज कम ऑन, लेडीज लेडीज लेडीज। तुम कहां, एक और इतना सुर में गाया, तुम कहां, हमारी लेडीज ज्यादा अच्छा गाती है ना? व्हाट डू यू थिंक? नहीं जी, मेरी नाक मत कटवाइए। तुम कहां, जेंटलमैन इतना जोर से मत गाइए, घर आपको उनके साथ ही जाना है ना? चलिए साथ में गा लेते हैं, कम ऑन, लेट्स डू इट। जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से आ फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो झुक गए। तुम कहां, जान ढूंढता फिर रहा हूं तुम्हें रात दिन, मैं यहां से वहां। पीछे वाले साथ में, कम ऑन, ओ मेरे हम सफर प्यार की राह पर साथ चले हम, मगर क्या खबर, ओ मेरे हम सफर प्यार की राह पर साथ चले ही रह गए हम नशीं, तुम कहां, तुम कहां, यहाँ
था फिर रहा वो तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ मुझको आप दो चुभे हो सनम तुम रहा मैं यहाँ तुम रहा लो भाई इन्होंने तो पूरे चंडीगढ़ को बुला लिया लुका छुपी खेल रहे हैं पूरे ऑडियंस के साथ में कहाँ है कहाँ नहीं अब एनीवे ये सब देख के मेरे जैसे कॉलेज स्टूडेंट को भी बड़ा अच्छा लगा अब क्यों हंस रहे मैं कॉलेज स्टूडेंट नहीं लग रहा हूँ अरे इस गाने में जवानी दीवानी में इस फिल्म में रणधीर कपूर प्राजी पाजी वडे प्राजी अगर लग सकते हैं लगे कॉलेज स्टूडेंट तो मैं नहीं लगूंगा लगना चाहिए ना यार बट कमाल के एक्टर रणधीर कपूर साहब मतलब वो कोई भी रोल कैसे निभाते थे देखिए उस जमाने में ठीक है कॉलेज में मतलब शायद उन्होंने ये नहीं बताया कि वो एक क्लास में कितने साल थे लेकिन कॉलेज में थे चलिए तो आइए बातों बातों पे मुस्कुराते हुए हम आगे चलते हैं सागर सावरकर अब बहुत ही प्यारा सा अंदाज मुकेश जी के एक खूबसूरत मधुर आवाज में आपके लिए पेश करेंगे दोस्तों ये भी एक ऐसा गीत है जिसमें एक लाइन में मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो साथ में गाएंगे यार ऑडिटोरियम तो बहुत भरा है साथ में गाएंगे वंडरफुल मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार वंडरफुल किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार सुबह माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी जले बहार के लिए वो जिंदगी किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है
कभी से नाम प्यार का रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हमें से नाम प्यार का कि मर के भी किसी को याद आएंगे किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे कहेगा फूल हर कली से बार बार किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है ओ जीना इसी का नाम है ओ जीना इसी का नाम है और महफिल के इस मोड़ पर हमें क्या लग रहा है ये बताने के लिए प्रसन्न राव आ रहे हैं और उन्हें सुप्रिया जी ज्वाइन करेंगी क्या लग रहा है हमें इस वक्त वही बताएंगे प्रसन्न राव सुरमई शाम त्रिलोकीनाथ फाउंडेशन के इस खूबसूरत आज के इस महफिल में ये बहुत ही प्यारा गीत जो हमारे जज्बात को शब्द सुरों का रूप लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे YouTube वाले ऑनलाइन दर्शक भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं उनके कमेंट से हम भी एंजॉय कर रहे हैं और टैगोर ऑडिटोरियम में आप सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं अभी न जाऊं छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं अभी अभी तो आई हो अभी अभी तो अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो हवा जरा महक तो ले नजर जरा बहक तो ले ये शाम ढल तो ले जरा ये शाम ढल तो ले जरा ये दिल संभल तो ले जरा मैं थोड़ी देर जी तो लूं नशे के घूंट भी तो लूं नशे के घूंट भी तो लूं अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे गाते जाएं और ये दौर चलता जाए शाम की के आखिरी दौर पर ही हम
और हमने ऐसे डिसाइड किया कि जस्ट एक हाई नोट पे इस शाम का कि हम एंड करते हैं, तो कुछ ऐसे ही बॉलीवुड के गोल्डन एरा के कुछ रॉक एंड रोल सॉन्ग्स जो आप हमेशा सुनते आए हैं और उन पे बड़े कवर्स और लोग उन पे परफॉर्म भी करते हैं रियलिटी शोज में. सो ऐसे ही गानों का एक बहुत अच्छा बुके लेकर इस शाम की हम आपसे विदा लेंगे शाम के लिए. सो ये जो बुके है आप सबके लिए. ये शाम खत्म नहीं हुई है, ये शाम खत्म नहीं हुई है. और मुझे पता है आप भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो दो लाइन तो आप भी गुनगुनाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. लोग इस गाने को जानते हैं? Just raise your hand. Raise your hand. Okay. Anyone here? कितने लोग इस गाने को जानते हैं? Just raise your hand. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 1. क्या गाना है? इनामीना दिखा. Anyone? मेरा नाम चिंचिंचू चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू रात का चांदनी मैं और तू हेलो मिस्टर हारेरू. मेरा नाम चिंचिंचू चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू रात का चांदनी मैं और तू हेलो मिस्टर हारेरू. कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया. हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया. प्यार की राह में अपना नाम कर लिया. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. ढूंढती हूँ दिल जो झुक गया है
जा, मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा हो। तो और जो गाना फर्स्ट सॉन्ग पे आई थिंक सब लेडी हैड गेस्ड दिस सॉन्ग, आई थिंक अभी वो गा रहे थे ना, इना मीना डिका बेटा जाने का हिमा कना कना का बेची कभी करी का दिल भी चू है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे तो नहीं देने वाला, सूरत या हसी हो उम्र या जवा हो कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो, यही है यही है यही तो है वो बिना मीना डिका करेगा बहुत 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 जबरदस्त हमारे म्यूजिशियंस और हमारे टेक्नीशियंस। मैं सिर्फ दो मिनट चाहूंगा कि एक बहुत जरूरी काम के लिए आपको मेरे साथ रहना है। ये आवाज हमारी इतनी खूबसूरत तरीके से आप तक जिन्होंने पहुंचाई वो है चंडीगढ़ के मशहूर साउंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर मखनी स्टूडियोज, उनके लिए जोरदार तालियां। मखनी स्टूडियोज के लिए जोरदार तालियां। हमारे चेहरे और ये पूरा रंगमंच जिन्होंने बहुत खूबसूरत लाइटिंग से आपको दिखाया, खास तौर पे मुझे गोरा दिखाया, वो लाइटिंग के चेतन और सुरेंद्र शर्मा। और अब बारी है हमारे म्यूजिशियंस की, उनका सम्मान तो होना बहुत जरूरी है क्योंकि सुप्रिया जी और प्रसन्न और सागर हम सभी ये सारा कुछ परफॉर्म कर पाए ओनली बिकॉज ऑफ म्यूजिशियंस। सो लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर सतीश कुमार ऑन कीबोर्ड, जोरदार तालियां। और साथ में कोई थीम भी आप बजाते रहे तो और मजा आएगा, एक छोटा थीम लाइट तालियों के साथ प्लीज, मजा आएगा। म्यूजिकल हम कंक्लूजन करेंगे और दूसरे कीबोर्ड पर है शंकर राज। ओके, गिटार पर राजा अमिताभ आनंद, राजा भी है अमिताभ भी है और आनंद भी है, क्या बात है। और बेस गिटार पर है सौरभ, सौरभ जी। ड्रम्स और ऑक्टोपैड पर अनुराग जी, अनुराग। तबला पर योगेश, और ढोलक और हैंड सोनिक, ये थोड़ा अलग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक रिदम है, और ढोलक ये योगेश जी आपके लिए पेश कर रहे हैं, प्रदीप जी, प्रदीप जी ये पेश कर रहे हैं। हमारे इस टीम में आप सबके चहेते लिविंग लीजेंड श्यामराज जी सैक्सोफोन पर,
मंजिल प्यार की, इसका मतलब अगले शो का थीम मिल गया, मेलोडियस 90s बाय डॉक्टर सुप्रिया जोशी एंड टीम। अनाउंस कर दूं, मेलोडियस 90s जो इस तरह के जो गाने हैं, जतिन ललित, नदीम श्रवण, ये सारे बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। मेरे दिमाग में आया, मतलब मेरे मन में आता, भगवान सुन लेते हैं, चंडीगढ़ वाले सुन लेते हैं। तो अब सेकंड कीबोर्ड में जहाँ नाम ले रहा था वो यहाँ पे नहीं थे, वो अब आ गए हैं, और शंकर राज जी के लिए जोरदार तालियां। और सबका परिचय हो गया, मेरे बारे में किसी को पड़ी नहीं है, मुझे पता है। मैं वेट ही कर रहा था कि सबका परिचय हो जाए, तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्रीकांत राव साहब, कम ऑन। यार मैं तो इस पे भी पंच मारने वाला था। आप जो बोलते हैं उसमें एक अलग राग है, बातों का राग, उसे मैं बोलती हूं, तो ये हमें भी नहीं आता जो इनको आता है। अरे तो बातों के जादू से ऑडियंस को बांध के रखने का काम है श्रीकांत जी। थैंक यू सो मच, गिव हिम अ वेरी बिग हैंड। मैं बस बच्चन साहब की वो जो मशहूर फिल्म है, आप बताएंगे फिल्म का नाम, सरकार, जिसमें उन्होंने कहा था अगर शुभम मेरी मदद करे तो ही कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चन साहब की आवाज़ है, और मतलब वो अमिताभ है और मैं तो चंकी पांडे हूँ, मतलब स्टार है, इसलिए बोला मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है, मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है, फिर वो कानून के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, या भगवान के खिलाफ हो, मैं वही करता हूं जो मुझे चंडीगढ़ वाले कहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुप्रिया जोशी, सागर प्रसन्न, और ये हमारी खूबसूरत टीम, श्यामराज जी और सारे कलाकार मिलकर एक वादा ये करते हैं, जो मोहब्बत और जो प्यार आज पंजाब ने, चंडीगढ़ ने दिया है, वो नए साल के आगमन के साथ दिल में एक बहुत प्यारी याद बन गई है, और हम एक इमोशनल जज्बात आप सबका लेके जा रहे हैं साथ में, एक आशीर्वाद के रूप में। उम्मीद करते हैं जब आप फिर बुलाएंगे तब कुछ आपके पंजाब के प्यार वाले पुत्र, पंजाब के तो पुत्र आप हैं, पंजाब के प्यार के हम जो पुत्र हैं, कुछ आपके लिए और तोहफा लेके आएंगे, इतनी काबिलियत हमें दे दीजिए बस। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। और अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आदरणीय एमपी गुप्ता साहब से प्रार्थना करूंगा, बहुत जरूरी काम है, आदरणीय एमपी गुप्ता साहब और उनकी पूरी टीम, रॉबिन जी, पूरा परिवार जो कर रहे हैं, मैं दो मिनट के लिए सिर्फ गुजारिश करूंगा कि आप सीट से ना उठें, क्योंकि ये बहुत रेस्पेक्ट देने की बात है, रेस्पेक्ट देने की बात है जिनके बारे में हम बात करेंगे। हेलो, इस साउंड को जो संभाला, साउंड इंजीनियर हमारे साथ जो बॉम्बे से आए हैं, शुभम महात्रे हमारे पीछे हैं, जो कि इन्होंने 3-4 घंटे में साउंड को बहुत अच्छे से सवारा है और आप तक पहुंचाया। शुभम, अरे बिल्कुल, मेरे रूम पार्टनर शुभम मात्रे, जोरदार तालियां। भाई और बहनों, ये चंडीगढ़ में जो हमने ये जो ये एक सुरमई शाम की है, ये एक बिल्कुल नया फॉर्मेट पर की है हमने। आपने देखा है, आपने 3.25 घंटे सिर्फ म्यूजिक था और म्यूजिक के साथ कुछ नहीं था, अच्छा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मैं अपने मित्र और जिनको मैं 15-20 साल से जानता हूँ, इतने हम्बल आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखे। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ वो हैं सरदार मनमोहन सिंह, ये इतने हम्बल आदमी हैं कि मैं एक आवाज़ दें हम इनको, कितने ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इनका जो मधुर वाणी है इसका मैं कोई बयान नहीं कर सकता, कि इनकी जितनी वाणी मधुर है और इनके अंदर जो एक शक्ति है कि माफ़ करने की शक्ति इनके अंदर बहुत है, वो मैं सबसे ज़्यादा इनको लायक करता हूँ। और राजवंत कौर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा ये हर जगह पहुँचती हैं और पूरा। उसके बाद मैं, मेरा जागरण परिवार है, जागरण से मुझे हमेशा ही प्यार मिला है, जागरण ग्रुप ने। अब यहाँ पर हमारे साथ हैं सरदार वरिंदर सिंह वालिया जी, जो पंजाबी इसके एडिटर हैं जागरण के। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं अपने रोटरी के फ्रेंड्स का, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, फ्यूचर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीडर्स हैं वो यहाँ आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे रोटेरियन फ्रेंड जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं अरोमा होटल, सरदार मनमोहन सिंह कोहली का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने सारी टीम को अपने परिवार की तरह रखा और उनको कोई कष्ट नहीं होने दिया।
और मक्खनी साउंड का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है, इनका तो क्या बात कहूं मैं। उसके बाद मैं करना चाहता हूं थैंक्स मनीष टैगोर थिएटर से जी। मनीष ने हमारा टैगोर थिएटर ने और टैगोर थिएटर के हर स्टाफ ने हमारा जो साथ दिया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, ये अभूतपूर्व है। लोग समझते हैं कि सरकारी संस्थाएं काम नहीं करती हैं, परंतु मैं ये कहता हूं यहां से कि टैगोर थिएटर का स्टाफ इतना अच्छा है जो ये पीछे चला रहे हैं, चेतन जी चला रहे हैं, ये मैं इनकी कोई जितनी तारीफ करूं, इवन जो स्मॉलेस्ट भी इनमें यहाँ से जो आदमी है, जितना भी जो भी कर्मचारी है यहाँ पर, उसने मेरी हमारी बड़ी मदद की है। और स्काई लैक ट्रेवल्स के सरदार रंजीत सिंह का मैं धन्यवाद हूँ कि इनका आने जाने का इनका बड़ा ध्यान रखा। और सबसे जिनका मुझे पहले करना चाहिए था थैंक्स, उनका मैं लास्ट में कर रहा हूँ, वो हैं डॉक्टर सुप्रिया जोशी। मेरा सुप्रिया जोशी, अब मैं सुप्रिया जोशी नहीं कहता, इनको डॉक्टर भी नहीं कहता, सुप्रिया कहता हूँ। मेरा इनसे 2 साल पहले टेलीफोन से कॉन्टैक्ट हुआ और धीरे धीरे मैं ये समझता हूँ कि मेरे परिवार की तरह हो गई मेरे साथ। और ये जितना आज शो किया है ना जी, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सारा सुप्रिया का योगदान है। सारे आर्टिस्ट ये लेकर आई हैं, सारा ये फॉर्मेट इनका है, मेरा इसमें 1% हाथ नहीं है। सुप्रिया का वी मस्ट थैंक सुप्रिया फॉर दैट। और बाकी आपने देख लिया है, सागर सावरकर का कोई मुकाबला नहीं है जी। क्या बात, प्रशांत राव क्या दिल से गाया है, श्रीकांत और अपने जो साउंड इंजीनियर आए हैं मात्रे साहब और बाकी म्यूजिशियंस जो हैं, वो आप उनके हाथ देखे नहीं, आपने कीबोर्ड पर कैसे चलते हैं, ऐसे चला रहे हैं। तो मैं सब इनका म्यूजिशियंस का भी बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने बाहर से आकर चंडीगढ़ में आकर इतना। और एक बात और मैं कह दूं, कल आपने सुप्रिया को नहीं देखा मेरे साहब वहां पर जो रिहर्सल कर रही थी, आज वाली सुप्रिया कुछ और है, कल वाली सुप्रिया कुछ और थी। तो बहुत अच्छा करती हैं। और नीरू जी का मैं धन्यवाद करता हूं, इन्होंने गया, एटलीस्ट मैं सब चंडीगढ़ की जनता का धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने परिवार का भी दिल से वो करता हूं कि मेरे बेटे रॉबिन, रोहित, बेटियां मेरी दीपाली, सोनाली, मेरे सन इन लॉ आलोक गोयल, सब ने मेरी। अब मैडम, और यार मैडम ने भूल गया बाकी से, ठीक है, उनका तो मैं धन्यवादी हूँ, उनका धन्यवादी हूँ मैं जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें हम पे विश्वास दिखलाया। और खाली ये मेरा ही कोई कोशिश नहीं है, ये हमारा टीम वर्क है, क्योंकि जब टीम बनती है तब एक मुट्ठी आती है, जब 5 उंगलियां बनती हैं, खाली एक उंगली से कुछ नहीं होता। तो पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सुप्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल ऑडियंस। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, जैसे मैंने कहा था, एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल, ऑडियंस अपने लिए तालियां, चंडीगढ़ की शान। बिल्कुल, आप सभी आज आपने बहुत जबरदस्त साथ दिया है। आने वाले नए साल की शुभकामनाएं, वेल इन एडवांस, हैप्पी न्यू ईयर। यस, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, शुभ अफेयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।